वाला सब पढ़ लिए। सर एक बार रेक्टिफायर रिवाइज करा दीजिए ना। जैसे रेक्टिफायर ही है कि दूसरे हैं। ठीक है, जैसे अगर रेक्टिफायर का बात कर रहे हैं तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो एसी सर मतलब जो भी इनपुट होगा उसको आउटपुट में चेंज करके दे और डीसी आउटपुट देगा। यानी कि रेक्टिफायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। देखे थे कि ऐसा सर, और यहाँ पे सर हम आवाज बोल रहे नहीं आ थे कि रहा ठीक से। हाँ ट्रांसफार्मर लगाओ। हेलो, यस सर। हाँ अरे आप सर आ रहे हैं। ठीक है, इधर बोले थे कि ट्रांसफार्मर है, इधर से कुछ एसी इनपुट है। ठीक है, एसी इनपुट है, अगर करंट अगर इसमें बहेगा, अगर मान लेते हैं कि ऐसा रहता तो इसमें करंट क्या बहता, एसी है तो हाफ टाइम इधर से और हाफ टाइम इधर से करंट बहता, तो हम इस वाले को पॉजिटिव और इसको निगेटिव बोल रहे हैं। यानी कि इनपुट अगर हम ड्रॉ करते तो ऐसा होता। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक डायोड लगा दे रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो जब पॉजिटिव वाला डायरेक्शन होगा उस समय ये फॉरवर्ड बायस्ड की तरह काम कर रहा है। फॉरवर्ड बायस्ड है तो आइडियल केस में हम लोग रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं तो करंट आसानी से बहेगा, तो आउटपुट अगर हमको मिलेगा तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब निगेटिव वाला डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो उस समय ये डायोड इधर से जा रहा है तो रिवर्स कंडीशन है, क्योंकि तो इसमें करंट अब कैसा बहता हुआ दिख रहा है इधर से, यानी कि इधर हाइयर हो गया इधर लोअर हो गया, रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड है तो इसमें रेजिस्टेंस इसका हो जाता है टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि तो पोटेंशियल बैरियर इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी है यानी कि करंट बहा ही नहीं, ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि इस केस में करंट क्या हुआ, जीरो, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यानी कि आउटपुट हमको सिर्फ एक डायरेक्शन में मिल रहा है, दोनों डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। यानी कि ये एसी था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था अक्रॉस रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन यानी डीसी मिल रहा है। लेकिन ये जो है सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अगर हम इसी में बोले कि ऐसा रहता, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसको सेंटर टैप्ड रेजिस्टेंस डायोड बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ऐसा है। ठीक है, बुक में हो सकता है ऐसा फिगर बना के दिए। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बात वही है, यहाँ बनाओ या फिर इधर बनाओ, हम यहाँ पे भी चाहते तो ऐसे बना सकते थे, बुक्स में ऐसे बाहर दिया हुआ रहता है तो बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या है, ऊपर से पास करे हुए, फिर से हम वही करें, इधर से पॉजिटिव और इधर से निगेटिव। तो जब देखो यहाँ पे ध्यान से कि जब पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स होगा। पॉजिटिव के लिए D1 का बात कर रहे हैं तो D1 फॉरवर्ड और D2 पॉजिटिव, यानी कि करंट यहाँ से आएगा और इधर से घूमता हुआ रेजिस्टेंस इधर से चला जाएगा। जब D2 जो होगा फॉरवर्ड हो जाएगा और D1 जो होगा वो रिवर्स होगा। तो जब D2 फॉरवर्ड होगा तो ध्यान से देखो तो उस समय करंट इधर से पास होगा, इधर से नहीं होगा,
और ये करंट फिर से इधर से आ रहा है, रेजिस्टेंस में हमको सेम डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। और इस केस में जो आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव के लिए भी ऐसा ही, नेगेटिव के लिए भी ऐसा ही करता जाएगा। ये D1 के लिए पास हो रहा है, ये D2 से पास हो रहा है, ये D1 से पास हो रहा है, D2 से पास हो रहा है, ऐसा ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि पूरे वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसके बाद था फिल्टर सर्किट, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें अगर हम एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा दें, ये रेजिस्टेंस था आउटपुट वाला, इसके पैरेलल में हम कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें जब तक करंट बढ़ रहा है, जब तक बढ़ रहा है यहाँ तक, तब तक ये चार्ज हो रहा है। जब घटने लगा तो इस पे चार्ज स्टोर्ड ज्यादा है लेकिन करंट घट रहा है, यानी कि अब डिस्चार्ज हो रहा होगा, डिस्चार्ज का कंडीशन है, तो इसमें करंट इधर से प्रोवाइड करेगा और उस समय हमको रेजिस्टेंस के क्रॉस लग रहा होगा कि सेम करंट मिल रहा होगा, फिर वहीं से चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग ऐसे ही। जब चार्ज हो रहा है तो करंट रेजिस्टेंस से भी जा रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और जब करंट घट रहा है तब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि करंट रेजिस्टर से पास कर रहा होगा एक्स्ट्रा, और उस केस में हमको ऐसा एक कांस्टेंट करंट मिल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाई कर दिए, यानी कि जो रिपल्स थे उसको खत्म कर दिए, जो वेव फॉर्म था उसको हम खत्म करके एक कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं डिवाइस। तो इस चीज को बोलते हैं फिल्टर करना, फिल्टर सर्किट, जो सर्किट में ही लगा देते हैं तो इसको फिल्टर सर्किट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज वही देखते हैं अदर एप्लीकेशंस, जैसे कि अगर जो डायोड था हमारा, डायोड के अदर एप्लीकेशंस। तो अदर एप्लीकेशंस जो होंगे वो बेस्ड होंगे ब्रेकडाउन पे ही। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, तो पहला देख रहे हैं हम लोग इसका जेनर डायोड। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे है जेनर डायोड। ये वर्क करता है जेनर ब्रेकडाउन पे। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जेनर ब्रेकडाउन हम बोले थे कि अगर हमारे पास कोई डायोड है जिसमें हम रिवर्स कंडीशन में लगाते हैं तो बीच में जो डिप्लीशन रीजन था उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसका बॉन्डिंग तोड़ देता है, तो वो जो एक साथ टूटता है तो आंधी तूफान के जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ होल्स दूसरे तरफ भागते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो जो हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है, ये जेनर ब्रेकडाउन पे काम करता है, और हम लोग जानते हैं जेनर ब्रेकडाउन रिवर्स कंडीशन में, तो ये लिख देते हैं रिवर्स कंडीशन में वर्क करेगा, फॉरवर्ड कंडीशन में नहीं करेगा। इसमें जो डोपिंग होता है, हैवी डोपिंग होता है, हैवी डोप्ड पी एंड एन टाइप। ठीक है, जैसे ये सब बेसिक चीजें याद रखना है कि
कि जेनर ब्रेकडाउन पे जेनर डायोड है तो उसी पे काम करेगा, रिवर्स कंडीशन में वर्क करते हैं ब्रेकडाउन है तो, और इसमें ए और एन साइड दोनों के दोनों ही हैवी डोपिंग किए रहते हैं, ठीक है। इस हैवी डोपिंग के इफेक्ट क्या होगा, तो जैसे अगर हमारे पास ये डायोड है इसमें बहुत डोपिंग किए हुए हैं, तो डोपिंग जब हम किए हुए हैं तो बहुत हैवी डोपिंग है, तो जैसे कि इधर बहुत ज्यादा होल्स हैं, पी टाइप है, इधर एन साइड है, तो बहुत ज्यादा होल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा बैरियर बनेगा, ठीक है, इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और बहुत ज्यादा होल्स है, तो ये जो बैरियर बनेगा ये थोड़ा सा ही थिन में ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यानी कि इधर माइनस माइनस आ रहा है, इधर प्लस प्लस, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इधर बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर हाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कम थिकनेस में, यानी कि थिन रहेगा तभी ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हाई होगा। हाई क्यों होगा, तो हाई इसलिए होगा क्योंकि बहुत हैवी डोपिंग है, यानी कि एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, जब दोनों मिलेंगे तो थोड़े से दूरी में मिलेंगे तभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे देंगे हमको, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, यानी कि इसमें जो डिप्लीशन रीजन, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है, विड्थ लो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कम पोटेंशियल में ही इसको ब्रेक डाउन करा सकते हैं, यानी कि इट कैन बी ब्रेक डाउन इन लो पोटेंशियल, विथ लो पोटेंशियल, ठीक है। इसके अक्रॉस अगर लो पोटेंशियल, अगर हम रिवर्स पोटेंशियल का ही बात कर रहे हैं, लो रिवर्स पोटेंशियल पे ही हम इसको तोड़ सकते हैं, लगभग 5 वोल्ट पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिवर्स पोटेंशियल जिस पे टूटता है इसको बोलते हैं हम लोग जेनर पोटेंशियल, जहां पे जेनर ब्रेक डाउन होता है उसको जेनर पोटेंशियल बोलेंगे, VZ लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जेनर पोटेंशियल, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ठीक है। ये जेनर डायोड है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, अगर रियल लाइफ में देखोगे तो ये खूबसूरत सा दिखता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, उजला एकदम, अगर 12th अभी तो चल नहीं रहा है, अगर एक्सपेरिमेंट ये सब होता तो उसमें शायद कराया जाता है, ठीक है। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, बाकी अगर एक्चुअल में देखोगे तो बहुत छोटा सा ऐसा रहता है, व्हाइट कलर के इधर से 2 वायर निकला हुआ रहता है। अगर पुराना वाला टीवी होगा उसका मदरबोर्ड देखोगे तो उसपे लगा हुआ रहता है, या एलसीडी बोल रहे हैं, पुराना वाला बड़ा वाला कंप्यूटर जो होता था उसमें भी है? इसका काम क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। ये चीज होता है जेनर डायोड, जेनर डायोड का वर्किंग जो होगा वो किस में होगा, तो ब्रेकडाउन रीजन में होगा, ब्रेकडाउन रीजन यानी कि जो हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाते थे, ठीक है, इधर करंट इधर होता था मिली एम्पियर में, इधर फॉरवर्ड पोटेंशियल था, इधर रिवर्स पोटेंशियल, और इधर करंट जो है एन से पी जाता था तो इधर करंट लिखते थे माइक्रो एम्पियर में रहता था, इधर वाला करंट एन से पी, इधर वाला करंट पी से एन, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाते हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो ऐसा हमको कुछ मिलता था, ठीक है। ब्रेकडाउन जिस पोटेंशियल पे हुआ यहाँ पे हम लोग इसको जेनर पोटेंशियल बोल रहे हैं, यहाँ पोटेंशियल पे ब्रेकडाउन होगी।
अगर ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि अगर इससे ज्यादा पोटेंशियल हुआ रिवर्स में, ठीक है, तो हमारा ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कि अगर हम यहाँ पे VZ है तो ये 2D है। अब इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका यूज होता है रेगुलेटर में। ये था जेनर डायोड, इसका यूज होगा रेगुलेटर्स में। ठीक है, कैसे? तो रेगुलेटर का सर्किट ऐसा कुछ होता है, तो ये सब फिगर हम लोग लास्ट क्लास ड्रॉ किए थे। ठीक है, जेनर डायोड एज रेगुलेटर। रेगुलेटर में क्या होता है कि मान लेते हैं कि इनपुट के दो पॉइंट्स हैं, दो टर्मिनल्स, एक सीरीज है रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकता है, या सीरीज रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो लोड है, लोड है जिसके बारे में हमको देखना है, जिसको कंसिडर करना है। तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा हम उसको भी आउटपुट बोल रहे हैं, ठीक है। करंट होगा तो इसमें से अगर करंट आई जा रहा होगा तो आई आउटपुट जो भी। अब यहां से हम मान लेते हैं कि कोई भी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से वी इन है, ठीक है, इस पे से वी इन है इनपुट सोर्स। अब अगर ऐसा सर्किट है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, अगर यहाँ पे ये वेरी करेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि कभी कभी होता है कि पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है घर में एक बैग से बढ़ जाता है, एक बैग से कम हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएट करते रहता है, तो वैसे ही ये इनपुट जो है मे भी फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। फ्लक्चुएट यानी कि सडनली हाई हो गया, सडनली लो हो गया। ऐसे केसेस में ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, यानी मान लेते हैं टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी कुछ, उससे जो करंट होगा वो भी बढ़ेगा घटेगा, ऐसा हो, उस केस में तुरंत बढ़ा तुरंत घटा तो इसका डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसके डैमेज होने के चांसेस हैं इसके लिए कि यहाँ पे एक जेनर डायोड हम लोग लगा देते, वो भी रिवर्स कंडीशन में। रिवर्स कंडीशन करने का मतलब कि ये हाई टर्मिनल होगा, ये लोअर टर्मिनल होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला हायर टर्मिनल, नीचे वाला लोअर टर्मिनल, तो हमको ये जेनर डायोड जो है रिवर्स कंडीशन में दिख रहा है। रिवर्स में है तो मान लेते हैं इसका VZ जो भी है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। लेट लेट की यहाँ पे VZ जो हम यूज कर रहे हैं ये 10 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर ये अचानक से, यानी कि VIN जो था 10, मान लेते हैं चल रहा था 10 वोल्ट, चल रहा था चल रहा था, अचानक से बढ़ के ये 50 वोल्ट हो गया, ठीक, 10 से तुरंत ये 50 हो गया, तो क्या होगा कि इसमें से जो करंट बह रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा, I जो है ये सडनली इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा होगा, क्योंकि हम इनपुट पोटेंशियल को ही बढ़ा दे रहे हैं, रेजिस्टेंस तो जितना था उतना है ही, तो अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ गया होगा। लेकिन ये जो है इसका जो है 10 वोल्ट जो है इसका ब्रेकिंग वोल्टेज, यानी कि ये मान लेते हैं 10 वोल्ट, इससे 10 से ज्यादा हुआ तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करंट तो 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो रहा है, 10 पहुंच रहा है, तब भी करंट इंफिनिटी हो जा रहा है, यानी 10 पोटेंशियल जब पहुंच रहा है तो इसका करंट जो है क्या है, इनफाइनाइट, बहुत तुरंत से ज्यादा बढ़ रहा है। 10 से ज्यादा पोटेंशियल होगा तब भी उसका पोटेंशियल 10 ही है, क्योंकि उससे करंट इंफिनिटी तक 10 ही है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है, भले ही इधर से करंट आई इंफिनिटी तक क्यों ना चला जाए, लेकिन पोटेंशियल क्या है, 10 ही है। ऐसे केसेस में हमको दिख रहा है कि ये दोनों एंड और ये दोनों एंड, यानी कि जेनर डायोड के क्रॉस का एंड और लोड के क्रॉस का एंड
दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि अचानक से लोड भले ही बढ़ गया, इनपुट भले ही बढ़ गया, लेकिन जो हमारा आउटपुट है अभी भी 10 वोल्ट ही है, यानी कि ये जो है रेगुलेटेड है, कांस्टेंट है, यानी कि इसके आरएल के क्रॉस जो करंट बह रहा होगा वो अभी भी कांस्टेंट होगा, रेगुलेटेड होगा, ठीक है। यानी कि इसमें मोस्टली जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो आरएस के क्रॉस होगा, मोस्टली पोटेंशियल ड्रॉप विल बी अक्रॉस आरएस, यानी कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हो, लेकिन आरएल के अक्रॉस जो है पोटेंशियल क्या रह रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, आरएल के क्रॉस पोटेंशियल जो रह रहा है वो कांस्टेंट रहा है, ठीक है। कैसे, तो हम अगर जेनर डायोड को रिवर्स में लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अब जैसे हमको पंखा ही है, पंखा जो है चलाते हैं, हम बोलते हैं रेगुलेटर है, तो उसमें भी ऐसे ही डिफरेंट वेरिएबल लगा होता है, ठीक है। यानी कि हम आरएस और ये जो हमारा जेनर डायोड है, इन दोनों को वेरी कर करके हम लोग अलग अलग करंट पास कर सकता है, अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा उसका, तो अलग अलग चीजें पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही रेगुलेटर जो हम घुमाते हैं तो पंखा तेज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, नहीं आरएस वाला, पंखा का तो रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, लेकिन रेगुलेटर में आरएस जो होता है वेरिएबल लगा होता है, तो उसके अनुसार इसका पोटेंशियल कंट्रोल करके हम लोग उसमें वेरी करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर का ये पर्पस है कि अगर हम रेगुलेटर यूज कर रहे हैं तो ये रेगुलेटर का सर्किट है, इसमें कैसे वर्क करता है ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर, ठीक है। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी हम बोल रखे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते रहो, जो भी चीज पढ़ाई हो रहा है सब चीज उसमें दे रखा है, उससे ज्यादा हम लोग इसमें पढ़ना भी नहीं है, थोड़ा बहुत इसी चीज में जैसे कहीं कहीं पे आता है तो फॉर्मूला बना के कहीं कहीं बुक में लिख दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको इतना का जरूरत है नहीं, ठीक है। कहानी ये सिंपल सा है, इस पे क्वेश्चन दे सकता है, बना सकता है, क्योंकि सर सर्किट दिख रहा है, बोल देगा जेनर डायोड है, उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो बताओ क्या होगा, हम इतना करंट बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है, सर्किट पता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सर्किट सॉल्व करना जानते हैं, तो आराम से कर। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि ये लाइट को यूज करता है, यूजेस लाइट, यानी कि इसमें लाइट का यूज होता है, लाइट यानी कि फोटो, उसी को ऑप्टो भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हम लोग तीन तरह के पढ़ेंगे, तो पहला है फोटो डायोड, ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, एक फोटो डायोड होगा, फिर एलईडी जिसको बोलेंगे लाइट एमिटिंग डायोड, फिर सोलर सेल्स, तीन चीज होगा। तो पहला देख रहे हैं फोटो डायोड, ये भी जो है रिवर्स बायस्ड में ही ऑपरेट होता है, ठीक है। ये भी जो होता है रिवर्स बायस में ही ऑपरेटेड होगा, ये मॉडरेट या हाई डोप जो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जनरली डोपिंग हाई ही रहता है। इसमें कैसे वर्क करता है वो बात समझते हैं हम लोग, ये हम मान लेते हैं कि हमारा डायोड है, डायोड है, तो इसमें बीच में डिप्लीशन रीजन है,
ठीक है, इधर हम बोल दे रहे हैं पी टाइप है, इधर एन टाइप है। रिवर्स कंडीशन में जोड़ना है, रिवर्स में जोड़ना है तो यानी कि एन साइड जो होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा और पी साइड जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। रिवर्स कंडीशन का यही कंडीशन था कि हाई पोटेंशियल पे एन साइड और लो पोटेंशियल पे पी साइड, ऐसा है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कुछ भी, तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगा दिए क्योंकि करंट जो है माइक्रो एम्पियर में बात मूव करता है, तो माइक्रो एमीटर लगाए हैं जो उतना करंट को रीड कर सके। अब ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे अगर कहीं से लाइट सोर्स पड़ रहा है, ठीक है, इस पे अगर लाइट सोर्स पड़ा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है, यानी कि हम जानते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अगर यहाँ से ये एच न्यू जो है एनर्जी पड़ा, तो इफ एच न्यू जो होगा अगर ग्रेटर हो, यानी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रेडिएशन अगर ग्रेटर देन एनर्जी गैप हो गया, इजी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक्स डाउन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट जाएगा। और ऐसे जब लाइट से टूटता है तो हम उसको बोले थे कि ये एवलेंच ब्रेकडाउन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एवलेंच ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन पे वर्क करता है, रिवर्स बायस में एवलेंच ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी कि अगर हमारा डिप्लीशन रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलके न्यूट्रल जोन बना चुके हैं, न्यूट्रल जोन है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अब अगर उस पे लाइट पड़ा और उस लाइट का जो है जो भी सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी गैप बॉन्ड से ज्यादा का एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ के उसको कंडक्शन में लाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल टूटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको ऐसे ही बनाते हैं, इधर होल इधर इलेक्ट्रॉन, ये टूटा तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और होल्स इधर भागेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं, तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट, यानी कि हमको यहाँ से हमको मिल रहा है कि बोथ मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे, इसका मतलब है कि देयर विल बी सम करेंट। ठीक है, वहां पे क्या होगा, कुछ करेंट होगा, ठीक है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये था इसका, ऐसा ही सिंपल है और हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज होता है मिलिट्री में, मिलिट्री में अगर सिग्नल जैसे पहले भेजना होता था, फ्लाइट से हम यहाँ से सिग्नल भेजे तो उधर दूसरे साइड में रिसीवर लगा हुआ है, उस रिसीवर पे यही चीज लगा हुआ है, तो उस पर अगर लाइट पड़ा, एच न्यू क्या है, फोटॉन्स है, लाइट है, तो लाइट पे पड़ा तो उसमें से करंट बहा, या फिर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जला तो मोर्स कोड, ऐसा कुछ कुछ कोड होते हैं, दो बार आया जला तो ये होगा, तीन बार हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी एक मूवी आया था, देखे थे क्या, ये अक्षय कुमार का जिसमें सरदार का रोल लिया हुआ है, हेलो हेलो, नहीं देखे सर। अच्छा सर केसरी मूवी देखे हैं? हाँ केसरी देखे नहीं है सर। तो उसमें भी दिखाया है कि वहाँ पे शीशा से मतलब यूज करते हैं, लाइट पड़ता है तो दूसरे जगह अगर भेजना होता है कुछ कोडेड मैसेज, तो ये शीशा का लाइट उधर दूसरे तरफ चार बार पांच बार चमकाते हैं, तो उधर वो लोग देख के समझता है कि अच्छा ये है, कहना चाह रहा है, दूर दूर तक फोन का जमाना था नहीं।
तो वैसे ही इसमें भी लाइट जो है दूसरे जगह से फेंके, दूसरी जगह जहाँ रिसीवर लगा हुआ है वहां पे ये फोटो डायोड है उस पे लाइट पड़ा, ठीक है, लाइट पड़ा तो इतना एनर्जी का भेजा जाएगा कि पता चल जाए। इधर मान लेते हैं माइक्रो एमिटर या फिर बल्ब लगा हुआ है उतने करंट जो जल सके, तो क्या करेगा, जलेगा, एक बार जला तो मैसेज हो सकता है, मान लेते हैं 4 बार जला तो दूसरा मैसेज हो सकता है, तो उसमें यूज हो जाता है। दूसरा और भी देखे होगे कि मूवीज सब में शायद ये क्या कहते हैं, धूम 2 में था कि लेजर लाइट लगा होता है, जाता है सब लेजर लाइट में हाथ लगा दिया तो अलार्म बज जाता है, बर्गलर अलार्म बोलते हैं उसको, देखो वैसा। यस सर, देख ठीक है, तो उसमें भी यही होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट कंटिन्यूअसली इस पे पड़ रहा है, तो इसमें कंटिन्यूअस करंट का फ्लो बन रहा है, मान लेते हैं कोई भी अलार्म जो है इससे कनेक्टेड है, करंट चल रहा है तब तक सही है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हाथ ले गए, ये कनेक्शन को हम तोड़ दिए, कनेक्शन जैसे टूटा करंट फ्लो टूटा, करंट फ्लो टूटेगा तो अलार्म बच जाएगा, ठीक है, उसमें लगा होता है। या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डोर्स आते हैं आजकल, ठीक है, जैसे कि मॉल वॉल में जाओगे तो शीशा वाला लगा रहता है, वहां कोई नहीं खड़ा है, नजदीक गए तो खुल जाता है, ठीक है, सेंसर लगा रखा है। तो सेंसर कहाँ से रहता है, तो कहीं कहीं पे लाइट सेंसर रहता है, तो लाइट सेंसर में यही चीज रहता है, लाइट जाए पड़ रहा है तब तक ठीक है, गए बैन कर दिए दिक्कत हो गई तो खुल जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे नीचे अंडरग्राउंड में लगा होता है सेंसर, तो अलग बात है, ये भी लगा होता है, तो इसका यहाँ ऐसे ऐसे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो आर्मी वाले यूज करते हैं कोडेड सिग्नल्स भेजने के लिए, बर्गलरी अलार्म में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, इसका अगर हम आई वी करेक्टरिस्टिक बनाए तो ऐसा बनेगा, इधर आई ये वी फॉरवर्ड है, इधर वी रिवर्स्ड है, रिवर्स है ऊपर से रिवर्स कंडीशन में वर्क कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तीन इसलिए बना रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये इंटेंसिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेंसिटी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, फर्स्ट का सेकेंड का या थर्ड का, खुद से सोच के बोलो। बोलो इंटेंसिटी मतलब, मतलब रेट बोल सकते हैं इसमें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बात कर रहे हैं, जो लाइट उस पे पड़ रहा है उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता है लाइट्स में बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, हाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा ही होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, तो उतना ही ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1, क्योंकि थर्ड का करंट सबसे ज्यादा है, फिर 2 का, फिर 1 का, क्लियर है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। इसके बाद देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, इसी को एलईडी बोलते हैं आजकल, ये बहुत ही यूज हो रहा है, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, बहुत कुछ में यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज है एलईडी, लाइट एमिटिंग
डायोड, यानी किसी डायोड से हमको लाइट एमिट कर रहा। जैसे छोटा वाला बल्ब देखे होगे कि एक छोटा सा आता है ऐसा, ठीक है, इसमें देखोगे तो ऐसा छोटा सा इस तरीके का रहता है, देखे हो? यस सर। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज लगा होता है सिल्वर कलर का कुछ दिखता है, तो वही उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वही है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये भी ये वर्क करता है फॉरवर्ड में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में हैवी डोपिंग होता है, ठीक है, दोनों तरफ एन और पी जो होता है हैवीली डोप्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड में वर्क करता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा रहता है, जहां पे ये क्या बोलते हैं डिप्लीशन रीजन है, वहां पे थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है। इधर मान लेते हैं P है, इधर N है, फॉरवर्ड बायस्ड में है, इसका मतलब इधर ऐसा लगाया होगा। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड में यूज कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इधर होल्स है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होगा पी साइड में भी, और इधर होल्स भी होगा, लेकिन जो मेजोरिटी है उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बीच में इधर पॉजिटिव चार्ज बना होगा, इधर नेगेटिव, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सिंपल सा बात है कि ऊपर वाले केस में हमने देखा कि अगर हम उस पे लाइट डाल रहे हैं, फोटॉन्स को डाल रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होल पे टूट रहा है, तोड़ने में हमको जितना एनर्जी देना पड़ा है, तो क्या बनेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बोलो? तो एक को इलेक्ट्रॉन और एक को होल, मान लेते हैं एक दूसरे में जाके ये मिल जा रहा है, तो जैसे मिलेगा यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल मर्जेस ईच अदर, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ रहे थे तो हमको एनर्जी देना पड़ रहा था, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा, यानी कि सम एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, सम एनर्जी विल रिलीज, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो फोटॉन्स के फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ फोटोन। एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम इसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसकी वजह से जो होगा इधर से इधर होगा, तो इस होल पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो होल और इलेक्ट्रॉन एक तो ऐसे ही आपस में जानने चाह रहा है, ऊपर से और छूट दे दिए, तो दोनों जाके क्या होगा, मर्जी होगा, रिकम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं कि कंबाइन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और एक होल आपस में कंबाइन करेगा। और फॉरवर्ड बायस में हम लोग देखे भी थे कि ऐसे ही होते होते ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो फॉरवर्ड बायस में हम लोग देखे थे कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में ये जो डिप्लीशन रीजन होता है खत्म हो जाता है, और इसीलिए इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं कि आइडियल केस में जीरो होता है, तो फॉरवर्ड के केस में सिर्फ ये एक ओपन क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? ठीक yes, तो यहाँ से अगर कंबाइन हुआ है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी यहाँ से ऐसा लाइट के फॉर्म में एच न्यू फॉर्म में हमको मिलेगी। अब ये जो एनर्जी मिला किस रेंज में है उसके हिसाब से हमको अलग अलग जो है लाइट मिलता है, ठीक है। चिप अगर हमको बनाना है सस्ता वाला, तो ऊपर हम शीशे को ही रंग देते हैं,
ठीक है, जैसे कोई रंग दिए लाल ब्लू उधर से निकला हमको वैसा ही दिखे, लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला रहता है तो उसमें इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी रिलीज डिपेंड ऑन इजी, इजी बोले तो एनर्जी गैप, उसी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ रहे हैं तो कंडक्शन बैंड में है, ये वैलेंस बैंड में है, उसमें से तोड़ के हमको कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो हमको कम से कम उतना डिफरेंस का एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखा है, देता है ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमको रेड देखना हो, ठीक है, जैसे कि अगर हम वेवलेंथ का बात करें, जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं या फिर एच सी बाय लेमडा लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हमको रेड देखना, ठीक है, फॉर रेड, रेड कलर के लिए लेमडा क्या होना चाहिए? हाई, क्योंकि लेमडा जो होता है वो ज्यादा होता है रेड का, इसका मतलब एनर्जी लो, एनर्जी क्या होना चाहिए? लो, क्योंकि दिख रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, ठीक है। तो फॉर विजिबल हम लोग देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि विजिबल में ही रहे, इंफ्रारेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम विजिबल का बात कर रहे हैं। विजिबल हम जानते हैं कि लेमडा जो है लगभग 400 एंगस्ट्रम से 700 एंगस्ट्रम तक रहता है, ठीक है, 400 एंगस्ट्रम से 700 एंगस्ट्रम तक। तो इसके लिए एनर्जी जो होगा, एनर्जी जो रहता है लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, ठीक है। यानी कि हम विजिबल के लिए बोल रहे हैं, ये उसका वेवलेंथ है, इसका एनर्जी है, तो यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम एनर्जी कितना है 1.8। तो अगर हम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे तो हमको रेड दिखेगा, हाई किसका होता है? वायलेट का। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखेंगे तो वायलेट ब्लू, ये सब चीज हमको मिलता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लगभग इंसुलेटर के पास आ रहा है, तो उतना एनर्जी मिलना बहुत मुश्किल चीज होता है, थोड़ा ज्यादा खर्च पड़ता है, ज्यादा मेहनत पड़ता है, इसलिए ब्लू लाइट वाला जो ओरिजिनल में मिलता है वो थोड़ा महंगा मिलता है, रेड कलर वाला सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। सर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा क्या? सर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड, हाँ, एक बार अगर जैसे हम डायोड बनाए तो हमारा ऐसा बन गया है, जैसे ये हमारा डायोड है, यहाँ पे बैरियर हो गया है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसका, इधर होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम रिकम्बाइन कराना चाहते हैं, तो रिकम्बाइन करने के लिए हम यहाँ पे जितना पोटेंशियल जोड़ेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, उतना ही इस पे फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा रिकम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब रह गया एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो एनर्जी भाई रिलीज होगा तो उसके एनर्जी गैप जितना ही एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जिसका जैसा हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वैसा ही हमको एनर्जी मिलेगा, ऐसा नहीं होगा एक ही से हम अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग लाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे लो है यानी कि अगर 1.8 है तो यहाँ से हमको रेड मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इसके आसपास लगभग ब्लू मिलेगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अगर ईजी जो है 1.9 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी रेड निकलेगा, तो इसका होता है गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिलिकॉन का होता है 1.1, जर्मेनियम का क्या बोलते हैं 0.72, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड
फॉस्फाइड, ये चीज होता है इसका, इतना होता है इसमें। इनफैक्ट बहुत सारे होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में बहुत सारे यूज होते हैं, उसमें से एक ये है जिसका जो है एनर्जी गैप 1.9 है, यानी कि रेड के आसपास है, तो इससे रेड कलर दिखता है। गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, इसका जो इजी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इससे हमको मिलता है इंफ्रारेड, ठीक है। 1.8 से भी कम है, रेड से भी कम है, तो इससे इंफ्रारेड मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं कि ऐसा अगर रहेगा तो ये मिलेगा, तो सारा चीज वहीं से है कि किस रेंज में क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो बोले थे कि उसको याद रखना है, ठीक है, घटते बढ़ते क्रम तो याद रखना ही है, रखना है, बाकी थोड़ा बहुत वैल्यू रेंज का आइडिया याद रखना है कि हाँ किस रेंज में रहता है। एक्यूरेटली से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन किस रेंज में होता है वो याद रखना है। फिर इसका अगर एडवांटेज ओवर जो हम लोग आज तक यूज करते आते हैं बल्ब फिलामेंट वाले, उन सब के ऊपर इसका एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस हम बोल दे रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया, उसको पढ़ लेना है, याद रखना है, याद क्या करना है, याद रहेगा ही। एडवांटेजेस क्या है खुद ही सोचो, एक तो सस्ते में मिल जा रहा है, ठीक है, एलईडी वाला अगर हम लोग ला रहे हैं 100 रुपए में, तो वो चल रहा है लगभग साल, 2 साल, 3 साल चल जा रहा है, लेकिन पहले जो था हम लोग 10-15-20 रुपए वाला लाते हैं, तो महीने में 2-3 बार चेंज करना पड़ता था, ठीक है। तो इसका ऑपरेशनल जो खर्चा है, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, एक टाइम वन टाइम में महंगा पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। दूसरा बात कि वही नहीं, बल्कि अगर हम लोग वोल्टेज का बात करें और पावर का बात करें, तो ये कम वोल्टेज में, जैसे कम वोल्टेज कम एनर्जी खर्च करता है, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वहां भी हमारा बचत है बिजली बिल में। फिर अगर हम ट्यूबलाइट से इसका कंपेयर करें, ट्यूबलाइट जितना लाइट अगर मिल रहा है, तो ट्यूबलाइट पहले दिखता था लाइट आया तो धीरे धीरे गर्म होगा, फिर जलना शुरू करेगा, लेकिन अब एलईडी वाले आ गए हैं, तुरंत हम बटन दबाए तुरंत से ही ऑन हो गया, बटन ऑफ किए तुरंत से बंद हो गया, ऑपरेशनल टाइम जो है कम होता है, इसमें वार्म अप गर्म होने के लिए समय नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और अलग अलग रेंज के मिल सकता है, रफली यूज कर सकते हैं, पुराना वाला जो फिलामेंट आता था उसको जोर से हिला दो तो फ्यूज हो जाता था, ठीक है, जो वायर होता था पतला, 2 बार यूज किए फिर जोर से हिला दिए तो ऐसे ही टूट के गिर जाता था, तो इसको हम लोग रफली यूज कर सकते हैं, लंबा लाइफ है, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल भी आजकल फैंसी है, लगभग हर लोग मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं। इन्वर्टर है तो ठीक है, जहां बिजली का ज्यादा प्रॉब्लम है गांवों में कि भाई 24 घंटा में 5 घंटा बिजली रहता ही है, तो वहां इन्वर्टर ज्यादा काम नहीं करेगा, तो वहां सोलर सेल लोग यूज कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं कि सोलर से ही बिजली प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी वैकेंट जगह है, पहाड़ी इलाका ये सब में, रेगिस्तान, ये वहां पे सोलर का पूरा एकदम प्लांट बैठा हुआ है, वहां से बिजली सप्लाई हो रहा है, तो उससे इसका यूज हम लोग जानते हैं कि सोलर सेल आजकल क्या बोलते हैं, बहुत ऐसा चीजें आ गया है, लाइट बल्ब ये सब भी आता है, सोलर से चार्ज कर लिए, रात में यूज कर लिए, ठीक है। कार और पे भी चर्चा चल रहा है, उसका शेड ये सब ऐसा बनाए कि चार्ज हो उसी से चले,
तभी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक के साथ साथ हो सकता है सोलर में भी आ जाए कुछ, तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी पीएन जंक्शन पे ही जनरेट होगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग वेफर यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकन वेफर यूज होता है, ठीक है, सिलिकन वेफर यूज होता है। वेफर कहने का मतलब जो पी एन ये सब हम लोग बना रहे हैं तो उसको वेफर ही बोलते हैं ये चीज को। तो एक सिलिकन का वेफर है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डोपिंग कर रहे हैं, तो डोपिंग करते हैं, तो चलो इसको पहले कंस्ट्रक्शन बता दे कि कैसा होता है। देखे होगे अक्सर आदित्य टावर के बाहर पीछे वाले गेट से अगर निकलते होगे तो वहां भी नीचे में एक सोलर सेल पैनल रखा हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग डिजाइन मिल सकते हैं तुमको, जनरल होता है उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं होता है, ये ऐसा, ठीक है। इस तरीके का हम लोग का सोलर सेल होता है, हम साइड से बनाया है, ऊपर वाला हम लोग पोर्शन देख रहे हैं, ऊपर वाले जिसमें वायर का डिजाइन दिखता है सिंपल सा, हमें ऐसे हमको क्रॉस क्रॉस दिखता है, ठीक है। खैर हम ऊपर ये जो लिखे हैं ऐसे ही रखते हैं, सिंपल सिंपल। तो इस तरीके का होता है, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं नीचे जो है बैक सपोर्ट, बैक मेटल होता है, ठीक है। ये जो होता है पी टाइप, फिर एन टाइप, बीच में यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम नहीं दिखा रहे उतना, वहां पे डिप्लीशन रीजन है। यहाँ थिकनेस हम ज्यादा दिखाए लेकिन है नहीं उतना, इसको बोलते हैं मेटल फिंगर्स, ये कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें अगर थिकनेस का बात करें, ठीक है, तो पी जो होता है, पी जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0. पी जो होता है 300 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स होता है, और एन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स थिकनेस होता है, ठीक है। इधर से अगर हम खड़े होके देखें तो इधर से देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ऊपर ज्यादा ही दिख रहा है लेकिन बहुत पतला पतला रहता है, तो ऐसा कुछ हमको दिखेगा। ये N हो गया, ये P हो गया, प्रो मेटल फिंगर्स हो गया, ठीक है। ये जो मेटल फिंगर्स हैं ये बहुत लेस, बहुत ही थिन लगाए होते हैं ताकि उस ऊपर का सरफेस बहुत कम हो, लेस देन 50% ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया का बहुत कम रहता है। तो ये आगे कंस्ट्रक्शन का बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होता है। अगर ऊपर से देखते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होता है, इधर से हम ढक के यूज करते हैं, एक वायर इधर से निकला हुआ है, एक वायर इधर से गया होगा, मान लेते हैं अगर एमीटर लगाना हो लगा दिए, चलो। अब होता क्या है उस चीज पे जिक्र करते हैं। तो एन वाला जो होता है,
अपर सरफेस जो एन टाइप है वो बहुत ही थीन रहता है, 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत थीन। पी वाला 300 माइक्रोमीटर है, उससे कुछ अच्छा ही खासा है, लेकिन ऊपर वाला सरफेस सोचो कि उतना पतला है, बहुत पतला। वो इसलिए ये वाले सरफेस का हम बात कर रहे हैं, इसका थिकनेस का बात कर रहे हैं, तो बहुत थीन है। थीन इसलिए है क्योंकि हमको इसमें सोलर लाइट का जरूरत है, सन के रेज का जरूरत है, और हमको इसको सरफेस को रखे हैं, तो ये भी जो वर्क करेगा वो एवलेंस ब्रेकडाउन पे ही वर्क करता है। वर्क ऑन एवलेंस ब्रेकडाउन, नो बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ना ही रिवर्स बायस्ड है ना ही फॉरवर्ड बायस्ड, सिंपली वायर है। ठीक है, एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है, बीच में ऊपर हम मेटल सरफेस लगाएं। क्यों लगाएं, सबका वर्क हम भी देखेंगे। तो ऐसे कुछ होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें प्रोसेस जो होता है, इसमें तीन प्रोसेस होता है। ठीक है, एक तो प्रोसेस, और कैसे होगा उस चीज को बाद में डील करेंगे। पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, सेकंड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, देन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। ठीक है, ये तीन चीज होता है, एक तो जनरेशन, सेपरेशन, फिर मूवमेंट, इन्हीं तीन पे ये पूरा वर्क है। तो जनरेशन कैसे होगा, तो ये हमारा सरफेस हो गया, इस पे अगर ऐसा सनलाइट इस पे पड़ रहा है, ठीक है, ये सनलाइट है, यानी कि एच न्यू एनर्जी, यहाँ पे भी वैसे ही देख सकते हैं, ऐसा सनलाइट पड़ रहा है, यानी कि इस पे एच न्यू एनर्जी पड़ रहा है। थिकनेस बहुत कम रखे हैं ताकि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इफेक्टेड हो। ठीक है, एक और फिगर अगर देखें, ऐसा बना सकते हैं हम, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करे हैं, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट देखने का तरीका है, लेकिन एक्चुअली में एन टाइप ऊपर होता है, लेकिन हम ऐसे बना के देख सकते हैं, यानी कि लाइट जो है इस पे पड़ रहा है, लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ से ब्रेक करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है यहाँ से ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, होल्स इधर भागेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो, तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। थिकनेस हम इसीलिए कम रखते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट जो है यहाँ तक पहुंच जाए, डिप्लीशन रीजन तक। ये बहुत कम थिकनेस क्यों है, क्योंकि हम लाइट ऊपर डायरेक्ट एन पे पड़ा रहे हैं, डायरेक्ट डिप्लीशन रीजन पे नहीं पड़ा रहे हैं, बहुत थिन यूज करते हैं एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा रखने के लिए। तो थिन है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसका थिकनेस इतना कम है कि इस एनर्जी का इफेक्ट जो है अंदर डिप्लीशन रीजन तक वर्क कर पाए। अगर डिप्लीशन रीजन पे गया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड में भाग रहा है और होल्स जो है वो पी साइड में भाग रहे हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फॉर्म किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर सरफेस पे आ गया और होल्स जो है इधर पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये जो मेटल फिंगर्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से रिकम्बाइन होने से बचने के लिए ही है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे यहाँ आया, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम मेटल फिंगर एक पहले से लगा के रखे कि इसको ऐसा अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, भाई मेटल है तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हो रहा है। ऊपर से इधर दिख रहा है कि एक होल यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे भी एक होल हमको दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे दिख रहा है तो एक इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इधर हमको होल दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है,
और हम बीच में रास्ता प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमको इधर से इधर जाता हुआ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन इधर यानी कि करंट इसमें ऐसा बह रहा होगा, अगर हम इसकी जगह एम्पियर एमीटर की लगाते तो अब वो जल रहा होता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से प्रोड्यूस हुआ, इधर से आके इधर मिल रहा है, फिर से वो नीचे से ऊपर डिप्लीशन रीजन फिर से फॉर्म कर रहा होगा, फिर से हो रहा होगा, ऐसा ही एक प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चाहे तो बैटरी यूज कर सकते हैं फॉर चार्जिंग, बैटरी को लगा दिए चार्ज कर लिए, तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारा टूटे किससे, तो फ्रॉम सनलाइट हम लोग यूज करते हैं, तो उसी से सनलाइट। ठीक है, फिर सेपरेट हुए, सेपरेट होके यानी कि इलेक्ट्रॉन टू एन साइड एंड होल टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन होल पर गया, फिर मूवमेंट यानी कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन मेटल फिंगर्स एंड मेटल सपोर्ट, जो नीचे सपोर्ट है उसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वायर के थ्रू जो है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स मिल रहा है, यानी कि आउटर सर्किट में हमको करंट मिल रहा है। अब उस करंट से हम बल्ब जलाएं, पंखा चलाएं या बैटरी चार्ज करें, कुछ भी करें, हमारे ऊपर है, तो इसमें काम होता है। अब इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस वी कर्व, तो फॉरवर्ड बायस्ड तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले चुका है, रिवर्स बायस्ड जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट ले चुका है, तो इसमें अब क्या बची गया बोलो, तो इसमें हमारा बच गया दो ही चीज, एक तो सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। अब करंट का बात देखते हैं, तो करंट किधर से किधर बह रहा है, तो करंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड, होल्स जो है पी साइड, तो हमको करंट दिख रहा है एन से पी, तो एन से पी के लिए नीचे वाला करंट यूज करते थे, तो इसका हमारा जो रीजन आया वो आया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, जब पोटेंशियल जीरो था तो उस समय करंट मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल नहीं है, तो उस समय सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और होल्स यहाँ पे होंगे, अभी रिकम्बाइन नहीं हुआ होगा तो ऐसा होगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उस समय करंट घटता जाएगा और ऐसा आता है, और ये जो है ओपन सर्किट के लिए सर्किट पोटेंशियल, यानी कि अगर हम बाहरी वायर को नहीं जोड़े होते उस समय करंट जीरो होता, तो उस समय मेटल फिंगर्स और मेटल सपोर्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स के इकट्ठा होने से और होल्स के इकट्ठा होने से, उस समय मैक्सिमम होता। ठीक है, तो इसमें ऐसा आता है, ये मैक्सिमम है, ये जो करंट है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि कोई रेजिस्टेंस ना हो, हम दोनों को कनेक्ट कर दिए हो, तो इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, इसको ओपन सर्किट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो जो हमारा सोलर सेल होता है यानी कि सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी का बात कर रहे हैं, और इधर है एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है, 1.5 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1 2
इंटेंसिटी ऑफ जो भी है वो सोलर एनर्जी का बात कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ पे 1.5 पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है, 1.5 से सबसे ज्यादा है, यानी कि हमको, यानी कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसके लिए है, तो 1.5 के लिए, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फोटोन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा करंट हमको मिले, तो ज्यादा से ज्यादा करंट मिलने के लिए हमारा यहाँ से अगर ये चीज है तो ये हमको क्या सजेस्ट करता है कि हमारा इजी जो होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, इट सजेस्ट, ठीक है, ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर हम कोई भी मेटल कोई भी सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका इजी जो होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के आसपास होना चाहिए, 1.5 से थोड़ा सा कम रहे तो चलेगा, ठीक है, 1.5 से कम रहे तो इसलिए चलेगा क्योंकि सन का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा सन रेडिएशन का और वो आसानी से टूट जाएगा, और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इतना ही, यानी कि सबसे ज्यादा करंट हमको इतने पे मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा यूज करते हैं कि इसके आसपास मिले। तो एग्जांपल में क्या क्या हम लोग लेते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल बन जाता है, लेकिन इससे अच्छा होता है गैलियम आर्सेनाइड, इसका 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, और भी है कॉपर इंडियम, इसका 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम 0.72, इसलिए हम लोग उसका ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, तो ये सब कुछ है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये 1.43, यानी कि 1.5 से कम भी है, मोस्टली इंटेंसिटी इसको तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1.5, जब 1.5 का मोस्ट इंटेंसिटी है तो हम 0.7 वाला जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वो भी तो टूट सकता है, 1.5 ही क्यों, 1.5 के आसपास ही क्यों, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हम कम वाला यूज करेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 0.7 वाला जर्मेनियम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है सोलर रेडिएशन जो आ रहा है उस पे वो टॉप लेयर पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा ही पे वो टूट जाएगा, ठीक है, यानी कि हम उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, टूट तो जाएगा लेकिन सेपरेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम लोग नहीं यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो क्योंकि वहां इंटेंसिटी ज्यादा होता है और फ्लो ज्यादा अच्छा बना रहता है, 1.5 पे ज्यादा होता है तो हम 1.5 से कम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, मोस्टली 1 से ज्यादा और 1.5 से कम वाला ही यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है, yes. बोलो, आज जितना पढ़े उतना में किसी भी बात में दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो इतना को पढ़ो और समझो, बाकी अगर जो कुछ भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ लेना है, इसके बाद है हम लोग का जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर है तो भी पीएन एनपीएन जंक्शन बनेगा, पीएन जंक्शन बन रहा था एक तरफ और लगा देंगे तो एनपीएन पीएनपी जंक्शन बना के करेंगे, ठीक है, नहीं किसी का एक अगला लेवल है तो भी ऐसे ही कहानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो एक बार इतना पढ़ लो समझ लो उसको फिर देखेंगे समझेंगे फिर उसको पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा अगर हार्ड है तो वही है ट्रांजिस्टर, ठीक है,
हार्ड भी इसलिए है क्योंकि उसमें दो दो जंक्शंस बन जाते हैं, तो समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही ट्रांजिस्टर करेंगे। ट्रांजिस्टर अगर हो गया तो ट्रांजिस्टर लगता है 1-1.5 लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर है जो स्विच हम लोग यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, लॉजिक एंड गेट्स। आईटी पढ़े हो क्या? हाँ, 10 में उसमें होगा शायद लॉजिक गेट्स, एंड गेट, नॉट गेट पढ़े थे। ठीक नाइस है, तो उसी चीज को बहुत ही सिंपल चीज है, याद रखना है कि किसको क्या करते हैं उसको बनाना है। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर में ही हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। तो 2 लेक्चर के बाद इस मॉड्यूल को बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसको पढ़ो, शुरू से भी एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, कहानी है, याद रखना है। मॉड्यूल सॉल्व करोगे अगर सब कुछ याद है कहानी की तरह, तो सब चीज आराम से सोच के कर सकते हो। ठीक है फिर। ठीक है।